मुनासिब जिसको कहते हैं, सामने कुछ कुछ बाहर जाके कुछ कुछ कीना, खास दीन के लिए, हाँ दुनिया वाले के लिए नहीं, दुनिया के मसले मसाइल के लिए नहीं, दीन के लिए कीना रखता हो उसकी बख्शिश नहीं होगी। जो जादूगर हो उसकी बख्शिश नहीं होगी, जो फाल देखने वाला काहिन हो उसकी बख्शिश नहीं होगी, शराबी हो उसकी बख्शिश नहीं होगी। और एक खास बात है छोटी मगर अमल करने जैसी है कि जो मर्द अपने पैर को टखनों से नीचे पायजामा पैंट तहमत पहनता है, टखनों के नीचे लटकता हुआ पैंटा रखता है, उसको भी उसकी भी बख्शिश नहीं होगी जब तक कि वो सीधा अमल ना कर ले और ये सारे कामों से जो ने मैंने बताया तौबा ना कर ले, तौबा के बगैर उसकी बख्शिश नहीं होगी। बाकी अल्लाह पाक अल्लाह अल्लाह के रसूल का नाम लेने के बाद, इबादत करने के बाद, रोजा रखने के बाद, मांगो ना मांगो वो दे ही देता है। और इनमें अगर हम में कोई ऐसी खराबी है तो उसको अमल में लाकर हमारा पैंचा देखे, हमारा पैंट देखे, हमारे तहमत देखें, लटकता है तो जरा ऊंचा कर ले, शोबाजी ना करे, हैं आज तो अल्लाह रहम करे, चलते हैं तो झाड़ू की जरूरत नहीं होती। जवान बच्चे को मैंने देखा है पैंट ऐसी पहनते हैं, बूढ़ों को भी देखा है, तहमत वालों को भी देखा है, कहते हैं कि हम कलंदर हैं। अच्छा बाबा तेरी कलंदर तेरे पास रख, मोहम्मदी कलंदर तो ऐसे नहीं होते, मोहम्मदी कलंदर तो अल्लाह वाले तो ऐसे होते हैं, शरा का पाबंद होते हैं। तो अपने जो भी है पैंटो हो टखड़ों के ऊपर रखो ताकि जन्नत की खुशबू मिले। हुजूर ने फरमाया जिसका पैंशा जिसकी तहमत जिसका कपड़ा लटकता होगा कफनों से नीचे, याद रखो मेरी उम्मत उसको जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। तो हम अमल कर लेंगे तो इंशाल्लाह बेड़ा पार है ना। और ये हमारे में कोई किसी में आदत है या हमारे रिश्तेदार या कोई घर वाले शराब शराब पीते हैं उसकी तौबा करवाओ, उसको मस्जिद में लाओ, वो लाना तौबा कराना अभी बड़ा काम है। सिर्फ इतना देखो ये अमल करना सीखो और उम्मत में देखो काम क्या हमें मिलता है, नेकी के लिए अजर का मिलता है, वो इस नियत से देखो। जुमला छोटा है मगर दिल को छू जाने वाला है। और आखिरी बात करता हूँ, वक्त भी हो रहा है, उम्मत में देखो, बच्चों में देखो, बच्चों में देखो, बड़ों में देखो, छोटों में देखो, कोई कमी नजर आती है उसे प्यार मोहब्बत से, ऐसा प्यार मोहब्बत से कहो कि वो मान ही जाए, वो मान जाए उसको मस्जिद में लाओ, उसे खुश ना करो वो खुश हो या ना हो, मगर सिर्फ इतना सोचो कि मैं ये काम करूँगा तो मेरे आका राजी हो जाएंगे, मेरे रसूल मेरे आका राजी हो जाएंगे, मेरे हबीब राजी हो जाएंगे, जब वो राजी हो जाएंगे तो रब राजी हो जाएगा। और ये रजा वाले काम करेंगे तो रोजी भी मिलेगी, सेहत भी अच्छी रहेगी, कामयाबी ही कामयाबी होगी। देखो अपना मुसलमान कोई भाई जा रहा हो, कोई बच्चा जा रहा हो, बच्ची जा रही हो, प्यार से और यूँ कहो बेटा तो आग में जलना चाहता है, बस समझ ले छोटी सी बात में, ये तू करेगा तो आग मिलेगी, जहन्नम ही हो जाएंगे, बुरे काम है ये, शैतानी काम है, बेटा बेटी छोड़ दे ये अच्छी बात नहीं है। अगर समझ गया तो इसका बेड़ा तो पार है, साथ में तुम्हारा भी बेड़ा पार हो। आखिरी बात के इंशा में छह रकात होती है, ऐसे तो 100 रकात बताई गई है बुजुर्गों ने, मगर 6 रकात खास होती है। और मगरिब में तो पढ़ाई जाती है हर वक्त हर जगह होती है, यहाँ भी हम पढ़ाते हैं अंदर हमारे, मतलब 6 रकात होती है। सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास 10 मरतबा पढ़ा जाता है, उसे सलातुल खैर कहते हैं, नमाज खैर, यानी सारी खैर 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 हो जाती है, बेर निकल जाती है, परेशानियाँ खराबी निकल जाती है। उनमें उनकी फजीलत में एक नुकता अर्ज कर दीजिए, बैठ जाऊँ मैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जो खैर के नमाज पढ़ता है उसकी 70 हाजतें पूरी होती है। कितनी? 70 हाजतें पूरी होती है, उनमें से एक हाजत छोटी, अल्लाह अल्लाह क्या शान वाली बात है, छोटी
70 हाजतें पूरी होती है, उनमें से छोटी इसकी हाजत यह है कि इसकी सारी उम्र के गुनाह माफ कर दिए जाते हैं और इसे ऐसा पाक और साफ बनाया जाता है जैसे अभी वो अपनी माँ से पैदा हुआ। वरना तवज्जो से एक जोड़ा कपड़ा भी अगर धोना हो तो एक बार की जरूरत पड़ती है, और रहमान कितना बड़ा है, 70 साल के गुनाह एक मिनट में छोड़ा, उसका सजल और करम सोचो। अपनी औलाद को, अपने आप को, अपने घर वालों को समझाते हुए, समझते हुए हिदायत पे आ जाओ, भरोसा नहीं तब क्या हो। अल्लाह तुम्हें मुझे हिदायत दे रहा है।